अब तो कोई ना बात करता ना, कोई देखता ना पूछता, पहले तो आप ही रहे थे। तो अब आज ये सूची जारी हुई है, जब सूची जारी हुई है जब उसके बाद पता लगेगा कौन सामने आता है कौन नहीं। ये महीने दो महीने बहुत बदलाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कहना ये है कि आज जो बीच में इलेक्शन रुक गया था, कोई सब ने आना जाना बंद कर दिया था? सब बंद कर दिया, कोई नहीं आ रहा था, कोई पूछता, कोई क्या कर रहा नहीं करता। तो मुझे लगता है ये लोग तो सिर्फ इलेक्शन के लिए लोगों के पास लुभाते हैं, लोगों को सब लुभाते हैं। काम का कोई नहीं पूछता, यहाँ कूड़ा पड़ा है, नाली साफ है, तुम्हारी गली नहीं है, कोई आ रहा नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सब ने मतलब के हैं सब। अब ये चेयरमैन बने थे वाजिद हसन साहब, तो तरक्की सड़ गए, अपना आप ही बता दें कितनी सड़ गए, पर तरक्की हुई भी आपके नज़दीक कोई ज़्यादा खास तरक्की नहीं हो पाई? अरे अगर आदमी जावेगा भैया बस अड्डे पे रिक्शा के अंदर बैठ के, तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है उसके, इतनी बुरी सिचुएशन है, इतनी बुरी सिचुएशन होगी। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी वाजिद के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक से दो दिन पहले ऐसी खबरें वायरल हो रही थी कि जल्दी ही सूचना आ जाएगी, और सूचना आ भी गई है, हालांकि जो सीटें चेयरमैन पद की वो सामान्य में आएगी, और शामली की भी सामान्य में है, कैराना की पिछले वर्ग में है, और यहाँ के जो वार्ड की संख्या 25 वार्ड है, यहाँ पर 25 वार्ड है कांधला के अंदर, जिसमें से कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जो कि सामान्य में है, और कुछ वार्ड ऐसे हैं जो कि पिछले वर्ग में है, और कुछ अनुसूचित में है। तो आज मैं इसीलिए शहर में निकला हूँ, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आने वाला हूँ, और आप लोगों से मुखातिब होऊंगा और पूछूंगा कि क्या तैयारी थी उन लोगों की, क्या उन्होंने काम किए अब तक, क्या वो लोगों के बीच अभी भी थे या नहीं थे, और किसका अभी तक परचम लहरा रहा है, और कौन अभी तक पलटा, किसका भारी है, कौन दौड़ में है इस कांधला नगर पालिका परिषद चेयरमैन की। तो चलिए लोगों से मुखातिब होते हैं और उनसे बातें करेंगे। अभी हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ गए हैं, ये आएंगे जो कांधला के अंदर चेयरमैन का इलेक्शन एक बार फिर से सामान्य में आ गया है, पहले भी आया था, लोग शांत हो गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? इसमें क्या कहना चाहेंगे सर, इसमें तो क्योंकि यहाँ तो सामान्य वर्ग ज्यादा है, इसलिए सीट्स तो आने वाले समय में भी सामान्य में ही रहेगी। अच्छा, तो किसका लग रहा है इस बार जो है मामला, यहाँ जो पलड़ा भारी है, अब के जो पलड़ा भारी है वो फैसल बाबू जो है, जो पिछला चुनाव हार गए थे नजदीकी निकटतम प्रतिनिधि अपने बाजी बबले से, उनका पलड़ा भारी है, उनका पलड़ा भारी, उनका किससे फाइट हो सकती है? उनकी फाइट तो मुझे बस बीजेपी से ही, उनकी फाइट और किसी से नहीं है, बीजेपी से फाइट है। तो क्या कितनी तरक्की आपको लगती है, इतने टाइम से आप कांधला में है और काफी लोगों में जानकारी रखते हैं, काफी बातचीत करते हैं, कि क्या लगता है आपको कितनी तरक्की कांधला में हुई आज तक? देश भाई आज तक ये देख लो, जब से ये चेयरमैन बने थे वाजिद हसन साहब, तो तरक्की सट गए, अपना भी बता दें कितनी सट गए, पर तरक्की हुई भी आपके नज़दीक कोई ज़्यादा खास तरक्की नहीं हो पाई? अरे अगर आदमी जावेगा भैया बस अड्डे पे रिक्शा के अंदर बैठ के, तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है उसके, इतनी बुरी सिचुएशन है, इतनी बुरी सिचुएशन होगी। तो अभी 10 मई का अभी एक सूचना जारी हुई है, इसे मतलब आप पक्का नहीं कह सकते हम लोग के 10 मई होगा या नहीं होगा, लेकिन 10 मई एक आइडिया लगाया जा रहा है कि 10 मई में चुनाव, आइडिया नहीं शायद लगभग सरकार मुंड में 10 मई में ही चुनाव कराते, 10 मई में ही चुनाव। तो कुछ लोगों के कार्यालय बंद थे, अभी कोई दिख नहीं रहे, कोई वर्कर ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? भैया आदमी अपने अपने कारोबार में बिजी है, कारोबारी लोग हैं, अब समय आ गया है चुनाव का, 15-20 दिन 25 दिन, तो भैया आदमी तैयारी करके पहले से ही रखे हुए हैं, जो सक्रिय राजनीति में है वे तो भाई पहले ही तैयारी करके रखे हुए हैं, अब जैसी घोषणाएं होगी वे सक्रिय हो जाएंगे, कार्यकर्ता उनके सक्रिय हो जाएंगे, वोटर भी सक्रिय हो जाएगा, फिर ज्यादा बंचल होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इधर से बात करते हैं, चाचा कुछ कह रहे हैं, क्या नाम है चाचा? दस, मेरा नाम सलीम है, 10 मई में तो कोई नया ही देखेगा भी क्या? अच्छा, इस बार नया चेयरमैन कौन है? नया चेयरमैन, हाँ, फिर भी कोई लग रहा है, 4-5 लोग फ्रेंड में किसी कोई नजर आता हो या तो टाइम बताएगा, लेकिन देखेगा नया। अच्छा, कोई फाइटिंग किसी में नजर आ रही हो? 2-4 लोग फाइटिंग थे, यहाँ 2-4 में ही रहे, 2-3 में रहे, नरेश में रहे, बबले में रहे, और हमारे ये जो है क्या नाम इनका भी रहे। अच्छा जी, 3-4 में रहे फाइटिंग, लेकिन इनके नया देखेगा, इस बार नया चाहिए। हाँ नया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो गाइस अब मैं चलते चलते यहाँ पर आ गया हूँ, अरे भाई की दुकान है, परचून की दुकान है, सामान्य में छिटा गई है, सामान्य में। हाँ जी, चेयरमैन ने की बढ़िया हो गया, आपके अनुसूचित में आई है वार्ड नंबर 4 की, इसमें क्या कहना चाहेंगे भाई? वो भी सही है। तो अब क्या लग रहा है इस बार किसका पलटा भारी रहेगा चेयरमैन ने में? पलटा तो भी बस 2-3 में ही है, बस नजमुल में और बाबू फैसल में, इन दो में फाइटिंग है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अब आगे चलते हैं, ये भैया भी आ गए हैं, क्या नाम है भैया? मोहम्मद नदीम। नसीम भाई, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में चेयरमैन पद के कांधला के अंदर किसकी दौड़ ज्यादा है, लग रहा है कि ये आदमी अभी तक बना हुआ है इलेक्शन के अंदर? इंशाल्लाह हमारे बाबू फैसल की है, तो किससे टक्कर? टक्कर तो बबले से होगी, बबले से होगी, हाँ जी बबले। बहुत बहुत शुक्रिया, इधर भी एक भैया आ गए हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या नाम है भैया आपका?
अकबर बेग। अकबर भाई क्या लग रहा है इस बार कांधरा नगर पालिका चेयरमैन में किसका पलटा भारी है? बैठ के जान लड़ा देंगे बाबू फैसल को जिताने के लिए। बाबू फैसल को जिताने में जान लड़ा, किस किस की मतलब लग रहा है बाबू फैसल से टक्कर हो सकती है इस बार? आपको कोई भी इलाकों में नहीं किसी से कोई पहले नंबर पे चल रहे हैं बाबू फैसल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं किसी को। तो गाइस अब ये मिल गई है मुझे यहाँ पर ताई। क्या नाम है ताई तेरा? शमशादलाई नाम है मेरा। शमशादलाई जी क्या इस बार चेयरमैन का इलेक्शन किसका लग रहा पलटा भारी है? भाई मैं तो कह नहीं सकती अभी, मुझे तो नरेश का भी दिख रहा है, इसका भी दिख रहा और मैं फैजी के लड़के का तीन ठोक है, लत कर दो चाहे जिसको। अपने महल्ले के इधर के तीन ठोके हैं? हाँ तीन ठोके। बाबू फैसल मीटर लगवा रहा हमारे तो। अच्छा यो बाबू फैसल मीटर लगवा रहे तो? हाँ देख के गाने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहेंगे सामान्य में इलेक्शन आ गया है कांधला का चेयरमैन का, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो कहना क्या है, सामान्य में ही तैयारी तीन दफा से। अच्छा तो इस बार क्या लग रहा है किसका पलटा इस बार भारी लग रहा है आपको? बाबू जी बाबू फैसल किससे टक्कर हो सकती है? बाबूजी की टक्कर नहीं है किसी से भी इस बार, क्लीन चिट बिल्कुल क्लीन चिट, एक तरफा जीत होगी। अच्छा क्या क्या कमियां शहर के अंदर रही हैं आज तक आपकी नजर में? कमियां है यहाँ, नशा है और क्या है सारे सामने सब है, कोई ऐसी तरक्की नहीं हो पाई। अच्छा क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आने वाले चेयरमैनों को, क्या करना चाहिए उन्हें जो शहर की तरक्की हो? शहर की तरक्की के लिए तो बहुत काम है, अब तो एक दफे बाबू जी अगर मैदान में आके सीट पे पहुँच गए पता लग ही जाएगा कि विकास किस तरह होता है। तो अभी तक कोई विकास नजर नहीं आया? नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। क्या है? मेरा नाम है जुगनू। जुगनू भाई किसका लग रहा है इस बार चेयरमैन में फाइटिंग है? चेयरमैन तो अभी बनेगा और कौन बनेगा? नाम बताओ। फैसल बाबू। और फैसल अरे मेमोरी में चार नंबर वार्ड से हैं? चार नंबर वार्ड में रवि। रवि काकरान। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नासिर है। नासिर भाई क्या कहना चाहोगे चेयरमैन में? भाई चेयरमैन से रिलेटेड कोई भी इससे मैं कुछ नहीं पता, कोई भी फिर भी लग रहा होगा फाइटिंग में है। एक दो आदमी, एक आदमी का नाम नहीं कह रहा मैं लेने को, एक दो तीन लग रहे होंगे फाइटिंग में है इनकी टक्कर। भाई सभी फाइटिंग में है, बाबू फैसल है, नरेश सैनी है, नजमुल इस्लाम है, सब फाइटिंग में। ये तीन फाइटिंग में लग रहे हैं आपके नजर में। चलिए चलते मैं यहाँ पे आ गया हूँ यहाँ पर। तो भाई चलते चलते मैं यहाँ पे आ गया हूँ साइकिल की दुकान है, भैया बैठे यहाँ पर। क्या नाम है भैया? मोहम्मद नाजिम। नाजिम भाई क्या लग रहा है इस बार चेयरमैन का इलेक्शन किसके ओर जाने वाला है? चेयरमैन के इलेक्शन का अभी कुछ पता नहीं जी, अभी सामान्य में सीट आ गई है, आ गई कांधले की सूचना जारी हो चुकी है, सभी आदमी उठ सकते हैं। तो किसका लग रहा है आपको? जी हम तो बाबू फैसल के साथ है, देखो दिल और जान से। आपका क्या नाम है भैया? हम भी जी बाबू फैसल के साथ। नाम तो बताओ। मोहम्मद इनायत कुरैशी। मोहम्मद इनायत कुरैशी जी। चलिए इधर चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, आगे चलते रहे थोड़ा सा देखते हैं इनसे बात करते हैं। चाचा क्या बना रहे हो यहाँ पे? चोटी बना रहे और कुछ भी करें। चोटी बना रहे हो तो यही है हमारा। तो सामान्य में सीट आ गई कांधले की चेयरमैन की, वोट तो डालोगे? बाबा घेर दें जिसे कहोगे उसी घेर दें हम। आप जिसे कहोगे हम उसे डलवा देंगे। उसी हाँ उसी का डालो। किसको डालोगे? जिसे भी कहोगे आप उसी घेरेंगे हम तो। आपके नजर में कौन बढ़िया लग रहा है आपको? चार पांच उठ रहे हैं। ये मियां फैजी का लग रहा है। मियां फैजी का? मियां फैजी का लग रहा है मुझे, इससे बढ़िया नहीं कोई भी है। अच्छा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं, क्या नाम है जी आपका? मोबीन। आपका नाम? दिलदार। दिलदार भाई किसको लग रहा है इस बार? मोबीन। मोबीन राणा किससे टक्कर हो सकती है? दोनों की। किस किस की? मोबिन की, नजमुल की और मोबिन की, दो की टक्कर हो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं, भैया बैठे हैं चरपाई पे, कुछ दो तीन लोग बैठे हैं यहाँ पर भी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? आप बताओ जी क्या नाम है? अमीर साहब। अमीर 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 क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी टक्कर हो रही है? तो जीतेगा नरेश सैनी। नरेश सैनी किस तरह जीत लेब के? तो मतलब ज्यादा जो है मुस्लिम जो उठ रहे हैं वजह से, सब मुस्लिम उस पर जा रहा है, सारा मुस्लिम भी उस पर जा रहा है, सब जा रहा है उस पर ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डाल लेंगे चार के अगले से मारा है निकाल यार फैसल को ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग मुझे इस तरह के लोग पसंद आते हैं जो कि डरते नहीं है किसी से भी, जिसका ये वोट डालना ही हक होता है। कोई मैं कैमरा लेकर आ गया हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं आया, मैं किसी की तरफ से पक्षपात करने नहीं आया, किसी को कहने नहीं आया फला को वोट डालो फला को ना डालो, किसी को भी वोट डाल सकते हो, आपको अपना हक है डालने का। और आप जिसको कहें कहें, मैं कैमरा लेके इसलिए आया ताकि आप लोगों की बात लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग सुने और वो आगे काम भी हो आप लोगों का। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी बीच और भी लोगों से मुलाकात करेंगे। तो गाइस चलते चलते यहाँ पर एक और परचून की दुकान है, भैया से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा पाशा। पाशा भाई क्या कहना चाहेंगे? सामान्य में सीट आ गई है चेयरमैन की और वार्ड नंबर चार की अनारक्षित में आई है आप, सॉरी अनुजाति में आई है, तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों सीटों के बारे में? दोनों सही है अपना, और क्या। किसका लग रहा है कि वार्ड नंबर चार में मेमोरी में हमारे इसमें जी मेमोरी में देखो अभी अब पता लगेगा। चेयरमैन में क्या महसूस दे रहा है कि किसकी हो सकती है जी? चेयरमैन में तो हम चाह रहे हैं कि नरेश ही हो जाए। अच्छा नरेश ही हो जाए। किससे कौन टक्कर ले सकता है नरेश इस बार? नरेश से जी वाइट में तो जी वो ही रहेगा बबला। बबला चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आगे चलते हैं,
टॉप पे आ चुका हूँ जहाँ से मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था, कवरेज करा था। ये भैया वही भैया हैं, आज फिर आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे भैया, एक बार फिर से चेयरमैन का इलेक्शन सामान्य में आ गया है, पहले अपने नाम से शुरुआत? बहुत अच्छी बात है, मेरा नाम मोहम्मद फरीद है। अच्छा फरीद भाई, तो इस बार अब किसका लग रहा है आपको कि पहले रुक गया था मामला, स्टार्ट हो गया दोबारा? अभी तो सब शांत बैठे थे, कुछ आए नहीं, अब तो कोई ना बात करता ना कोई देखता ना पूछता, पहले तो आ भी रहे थे। तो अब आज ये सूची जारी हुई है, जब सूची जारी हुई है जब उसके बाद पता लगेगा कौन सामने आता है कौन नहीं। ये महीने दो महीने बहुत बदलाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कहना ये है कि आज जो बीच में इलेक्शन रुक गया था, कोई सब ने आना जाना बंद कर दिया? सब बंद कर दिया, कोई नहीं आ रहा था, कोई पूछता कोई क्या कर रहा नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है ये लोग तो सिर्फ इलेक्शन के लिए लोगों के पास लुभाते हैं लोगों को। सब लुभाए लुभाते हैं, काम का कोई नहीं पूछता, कहने का यहाँ कूड़ा पड़ा है, नाली साफ है, तुम्हारी गली नहीं है, कोई आ रहा नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सब ने मतलब के हैं सब। अब मतलब आ गया है तो फिर शुरू हो जाएंगे आने? बस शुरू हो जाएंगे ना, आज सूची जारी हुई, कल से देख लिया, फिर आना। क्या इरादा बनाया इस बार, किसको देंगे वोट के भाई? मतलब ही आदमी को देंगे किसी को, या फिर ऐसे आदमी को देंगे जो काम? नया चेहरा लाएंगे सामने, नया चेहरा आएगा सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थोड़ा रोशनी अंदर कम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान अब्बासी। इरफान भाई, एक बार फिर से सामान्य में सीट आ गई है और जो लोग चेयरमैन में उठ रहे थे वो फिर दावा करने लगे कि हम उठ रहे हैं, क्या बीच में वो लोग आपके पास आए आपको बात करने आपसे, जैसे कि इलेक्शन रुक गया था, या नहीं? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया था, सब कोई से भी नहीं आया हमारे पास। अच्छा, तो ये सब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आप लग रहा किसका लगता है आपको कि आगे पलटा भारी रहने वाला है? बस अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वो जब इलेक्शन होगा अभी जब बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, देख सकते हैं गया हूँ, ये जो एरिया है ये बड़ा ही शानदार एरिया है, यहाँ पर लोग 24 घंटे आपको मिल जाएंगे, रात हो या दिन हो लोग काफ़ी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी बीच अब ये कुछ लोग यहाँ पर मुझे मिले हैं, इनसे मैं बातें करूंगा भैया से। क्या नाम है भैया आपका? इमरान। इमरान भाई, जो चेयरमैन ही पद के दावेदारियाँ पेश कर रहे थे, सामान्य में पहले आ गई थी सीट, अब के भी सामान्य में आई है, क्या ये लोग आपके पास पहले भी आए बीच में? कोई नहीं आया बीच में, कोई नहीं आया जब से आ रहे थे, जब इलेक्शन का टाइम था जब आ गए फिर नहीं आया, इसके बाद में कोई नहीं। इसका मतलब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि लालच था उन्हें दबा रहे हैं, बगैर लालच के कोई नहीं। वो तो उन्हें पता होगा लालच था या क्या था, उन्हें वोट लेने का लालच था। तो अब क्या लग रहा है आपको कि किसको इस बार का इलेक्शन जो है किसके पलटे में भारी रहने वाला है? पलटे में भारी ऐसा रहेगा जो काम अच्छा करेगा, जो नया लाएंगे कोई चेहरा, नया अब बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव किस मुद्दे पर? बदलाव मतलब मुद्दे पर लाना चाहते हैं? कस्बे में कोई काम नहीं हुआ, इस मुद्दे पर लाना चाहते हैं, कोई तरक्की नहीं हो पाई, इस बार नया चेहरा, कौन नया चेहरा सा लग रहा है? नया चेहरा चाहिए, नहीं बता सकते कुछ भी, जो अच्छा लगेगा उसे दे देंगे वोट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम दोनों कहना चाहेंगे जी बढ़िया काम हो रहा जी। अच्छा, हाँ जी, अब तक की योजना में बढ़िया काम हुआ है? हाँ जी बढ़िया काम, रोड बढ़िया हो रहे। हाँ जी बढ़िया काम हुआ जी। चेयरमैन की पूछ रहा हूँ भाई जान। अरे चेयरमैन के, हाँ जी चेयरमैन का भी हो रहा जी, थोड़ा बहुत हो रहा जी काम। किसको इस बार चेयरमैन में लग रहा है आपको वोट देने वाले हैं? इनको देखेंगे जी, एक दो लोगों को ये लग रहा हो कि ये फाइटिंग में रहेंगे? नहीं जी, तो क्या नाम उसका, नरेश सैनी है, अजी बबला है, नजमुल है, इन तीन की लग रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सबसे पहले इनसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाम है चाचा? अजी मुमताज। हाजी जी, क्या लग रहा है आपको? सामान्य में सीट आई थी पहले, बीच में दो तीन महीने रुक गई थी, क्या ये जो लोग उठ रहे थे दो तीन महीने पहले जैसे आपके पास आ रहे थे, इस बीच में आपके पास आए लोग या नहीं आए? नहीं, नहीं आए। तो अब किसका इरादा बनाया है आपने कि कौन ऐसा लग रहा है आपको आपके तजुर्बे से कि ये आदमी है किसको देना चाहिए वोट? कोई भी एक दो, दो लोगों को, एक का नहीं दो तीन लोगों के नाम बताओ कि ये फाइटिंग रहेंगे लड़ाई में। एक है जी, का नाम ठीक है जी, ऐसी का भी ठीक है। अच्छा, अरे भाई वाई ग्रेक का भी लम्बा ठीक ही है, फैसल बेग। हाँ, ये दो ठीक हैं आपकी नज़र। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए चाचा, इधर आते हैं। आपका क्या नाम है जी? नहीं, मैं नाम तो बताओ अपना, नाम बताओ। नाम बता दे, नाम बताना। नाम बताने में कोई जुर्म नहीं है, ये कोई वो नहीं है मान। बाबू हसन, क्या कहना चाहेंगे आप चेयरमैन में? भाई हम राजनीति में है, हमें क्या पता भाई, वोट तो आपका भी आके डाल। नहीं है तो डालने का, हम तो जहाँ अज्जी गए वही डालते हम लोग। चलिए जी, आप ये कह रहे हैं जहाँ आप कहते हैं वहाँ डालते हैं, आपको क्या लग रहा है भाई? जो आपको लग रहा है वही हमें, जहाँ तुम कहते हो वही वोट डाल। देखिए हम लोग तो निष्पक्षता से आए, हम चाहते हैं कि शहर के अंदर तरक्की हो, काम हो। भाई तुम सारे कस्बे में फिर रहे जी, तो तुम्हें मालूम है कौन आदमी मजबूत है? जिसको तुम कहोगे उसी को देंगे हम तो। बहुत अच्छे, हमें क्या पता कौन मजबूत है कौन नहीं मजबूत है। अभी भाई ने बताया कि कुछ काम नहीं हो पाया पिछले 5 सालों में। ना मैं काम का पता, हम तो सीधे सड़क पर जामे आवे अपने घर में बढ़ जाओ। फिर भी तुम्हारी अच्छा, जैसे तुम बड़े आदमी हो राजनीति में भी काफी रहते हो,
आपकी नजर में कौन सा इनमें 5-7 उठ रहे हैं कि लग रहा है कि इसमें 2 या 3 आदमी ये हैं काम के? हकीकत में तो मेरे भाई में यूं नहीं पता नहीं मैं उठ रहा कौन, हमारा रंगगढ़ भी काम है भाई, कौन कौन उठ रहा कौन उठ रहा, जब हमारे पास आ रहे हैं, अभी हमारे पास एक भी आदमी नहीं आया, हमें तो वोट गिरना, कोई हमारे पास ना हो तो जाके वोट जाएंगे भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों की शिकायतें भी है कि लोग आते नहीं है, जाते नहीं है उनके पास में, और जब कोई आएगा तो तभी शायद वोट बताएंगे किसके पक्ष में जाने वाला है। चलिए अब चलते हैं उधर की तरफ, एक टोपियों की दुकान लगा रखी है भैया ने, उनसे बातें करते हैं, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, अब मैं उनकी तरफ चलता हूँ और उनसे ही बातें करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन। मुरसलीन भाई कब से शुरू कराए ये कारोबार? ये तो जी पिछले साल से कर रखा जी, पिछले साल से। हाँ जी। अच्छा, चेयरमैन का इलेक्शन सामान्य में आया था अब से 3 महीने पहले, बीच में रोक दिया गया था जी, उसके बाद लोगों का रुझान वही रहा था पहले वाला या बीच में ठप हो गया था मामला बीच में रुक गया था जी, अब जैसे फिर दोबारा शो रहा था, बदलाव आ रहा जी। बदलाव है? हाँ जी। किसका लग रहा है इस बार बदलाव में चेहरा? एक या दो लोगों का? एक का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक बताने में एजुकेशन होती है। जी जी। दो या तीन लोगों के बीच बताइए। देखो जी, नजमुल इस्लाम का भी और हमारे नरेश चेयरमैन है उनका, बस इन दोनों के आमने सामने। क्या पुराना नया? कोई नया आना चाहिए। बाबू फैसल चेयरमैन साहब, बाबू वोटर से जीतेगा। अच्छा। हाँ ये देखिए, ये होती है स्प्रिट, खर्चा करता है, आने में जाता है, आदमी काम कराता है, बगैर पैसे लाता है, छुटवा के अन्य कोई बल्कि लाल जला कटवा के दिखा दो नरेश, सर ये क्या है बबला, कोई बबला तो जा नहीं सकता। अच्छा। हाँ नरेश का नहीं, नरेश कहता सही हो तो जो बाबू फैसल काम करते हैं वो नरेश नहीं करना। अच्छा। हाँ इस बार बाबू फैसल की तरफ है आपकी वोट? बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर मिल गए। क्या नाम है भैया? अमन कुरैशी मोहम्मद। अमन भाई क्या लग रहा है इस बार चेयरमैनी में किसकी टक्कर होने जा रही है? अब क्या जी, जो जीतेगा सलीम चेयरमैन, सलीम कुरैशी जी। वो तो दिख भी नहीं रहे यार शहर में आपके, नहीं जीतेंगे कैसे? नहीं जी, जो तो टाइम आने में पता लगेगा जी। खुल रहा है उनका जी? खुल गया, सब खुल रहा है। तो आपकी वोट सलीम जी की तरफ? जी, सबकी हमारी सलीम जी की तरफ है, तमाम कुरैशियों की जी। चलिए बहुत बड़ा दावा किया है आपने, आगे भी चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। ये भैया बैठे हैं यहाँ पर, आप भी बता दो भाई, क्या नाम है? मेरा नाम शेर खान है। किसको वोट देंगे इस बार? अपने भाई को, सलीम को। सलीम कुरैशी को? ये पीछे बैठे हैं इस डर में? हाँ जी। इसी डर में जी? अच्छा चलिए इधर आते हैं। क्या नाम है भैया? भाई मोहम्मद नदीम नाम है। नदीम भाई अभी फिर इलेक्शन आ गया सामान्य में जी, क्या तैयारी? इंशाल्लाह तैयारी है पूरी, लड़ेंगे पक्का। पक्का 100 की 100%। करेला ओपन हो गया? इंशाल्लाह ओपन, बस समझो अब तैयारी तैयारी। हम तो रेडी हैं बिल्कुल। अच्छा, हम तो तैयार हैं बिल्कुल। तो कितना लग रहा है इस बार के, मतलब कुछ बढ़ाया घटाया बीच में रुकने से इलेक्शन? नहीं इंशाल्लाह हमारा बढ़ाया जी, बढ़ाया, दूसरे का हमें पता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जी। बात करने के लिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी एक बात है। अब क्या नाम है सर आपका? ललित कुमार। ललित भाई क्या आप भी इरादा है चेयरमैन लड़ने का आप लोगों का? हाँ जी बिल्कुल जी, मेमरी में भी लड़ेंगे और चेयरमैन चेयरमैन दोनों जी। बीच में इलेक्शन रोक दिया गया था, इससे फायदा हुआ है आप लोगों को या नुकसान हुआ है? नहीं फायदा नुकसान ही है, वो ये है कि लोगों के पास जो कार्य चल रहा था वो हो नहीं पा रहा। अच्छा जी। तो अभी अब इलेक्शन में आप क्या दोबारा से शुरू कर दिया कार्यालय? हाँ जी बिल्कुल, नहीं तैयार कार्यालय तो बंद है काफी टाइम से। अच्छा, मगर तैयारी बराबर चल रही है, तैयारी बराबर है। तो खोलेंगे कार्यालय का इरादा किया है? अभी देख लो तो 4 अप्रैल का है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिर। 4 अप्रैल जी। तो गाइस जिन लोगों ने मेरा वीडियो को पूरा देखा है मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। जो लोगों की प्रतिक्रिया है उससे प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया को आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमें मोटिवेशन दे सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ और ईमानदारी से अपना काम बखूबी निभा सकूँ। तो देखने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अकरम कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ।